जंप रोप या स्किपिंग सबसे बेस्ट कार्डियो वर्कआउट माना जाता है। इसमें आपका फैट लॉस होता है, आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है और साथ ही साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। ज्यादातर लोगों ने अपने पूरे लाइफ में एक ना एक बार तो ये वर्कआउट किया होगा, पर मैं आपको बता दूं कि 60% लोगों ने इसे गलत परफॉर्म किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या परफेक्ट तरीका और एक्यूरेट तरीका क्या होता है इसे परफॉर्म करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है परफेक्ट तरीका इसे परफॉर्म करने का, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा क्या क्या आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है इमरान शेख और आप देख रहे हो इमरान 16। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको रोप कौन सा यूज करना चाहिए। तो आपको जो रोप यूज करनी है वो रोप को इस पोजीशन में पकड़ोगे, अपने अंडर आर्म्स के नीचे हैंडल पकड़ के, तो उसका जो बाकी का हिस्सा वो आपके जमीन में टच होना चाहिए, वरना आपके एंकल में टच होना चाहिए। मतलब उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके वेट भी ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका रोप भारी होगा तो उसका मूवमेंट भी अच्छा होगा। दूसरी बड़ी बात, आपको एक्टिवली खड़ा होना, आपको पैसिवली नहीं खड़ा होना, आपको एक्टिवली खड़ा होना है। और एक्टिवली खड़े होने के बाद आपके जो आई लेवल कॉन्टेक्ट उससे थोड़ा सा आपको ऊपर देखना है। इससे ये होता है कि आपको फोकस करने में इजी पड़ता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आपको जंप कैसे करना है। जंप करने के लिए आपके दोनों पैर जॉइंट होने चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने उंगलियों में जंप करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके उंगलियों में जंप करना है। और ये सब तो ठीक है, ये सब तो नॉर्मली हर एक इंसान को पता, पर हाँ मिस्टेक होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मिस्टेक यहाँ होती है कि जब आप जंप रोप परफॉर्म करते हो तो आपका पूरा हाथ घूमता है। आपको पूरा हाथ नहीं घुमाना, आपको सिर्फ अपने रिस्ट को घुमाना। अगर आपका रोप लंबा और अच्छा खासा वजन वाला होगा तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, वरना अगर आप हल्का रोप या फिर छोटा रोप यूज़ करोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा ही होगा। हाथ का जो मूवमेंट रहता है सिर्फ आपको अपने रिस्ट हिलाना और आपको सिर्फ अपने टो में जंप करना है। अगर आप इसको परफेक्टली करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका कार्डियो वर्कआउट हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक जंप रोप। अगर आपको बेसिक तरीके से परफॉर्म करने आ गया तो आप थोड़ा वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, जैसे कि अल्टरनेटिव बट किक, सिंगल लेग, क्रिस क्रॉस। और भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है जो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, तो मैं उसके लिए शायद अलग वीडियो बना दूं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल इमरान 16। और तब तक के लिए बाय।